स्मृति स्मृति पुराणानां आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं पादरायणं सुप्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति भेद विभागिनी व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। श्री भवानी शंकराय नमः। श्री मात्रे नमः। हम लोगों का सौभाग्य है कि हम गुरु जी को सुन पाए हैं इस छोटे से सत्संग से। हमें बहुत कुछ मिला है, मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। किस स्तर पे इस उत्सव का, इस महोत्सव का, महाशिवरात्रि का हम व्रताचरण करें, इसका लक्ष्य क्या है। कई बार साधक साधना श्रृंखलाओं में ही फंस जाता है, दृष्टि में कुछ मानदेय आने लगता है, तो इस प्रकार का उद्बोधन जो है परम आवश्यक रहता है। एक लक्ष्य है, अतीन्द्रिय है, मन के परे है, पर वो हमारा लक्ष्य है ही। मानव शरीर प्राप्त हुआ है, सत्संग से हम अनुग्रहित हैं, तो फिर उस लक्ष्य को भूलना बहुत ही घातक होगा। तो जब कभी हम सच होते हैं, तीव्र उपासना करने की इच्छा प्रवृत्त होते हैं, उस समय इस लक्ष्य को पुनः अपने सामने स्थापित करना हमारे लिए आवश्यक रहता है। और यही तो गुरु का कार्य है, वही करते हैं बड़ी सहजतया से। उसको लेके हम शायद चिंतन करें। पूज्य श्री ने अभी उल्लेख किया था, महाशिवरात्रि का प्रसंग जो है, शिवलिंग की पूजा आरंभ हुई थी। उस अव्यक्त तत्व को, उस अखंड तत्व को एक शिवलिंग के रूप में सृष्टि कर्ता ने, स्थिति कर्ता ने देखा पाया, और ये भी वो समझ पाए कि केवल बौद्धिक ज्ञान से या तो अपनी जो एक कलात्मक दृष्टि है, उस दृष्टि से इस अनंत की माप तुलना नहीं की जा सकती। सचमुच सृष्टि करता है ब्रह्मा जी, स्थिति करता है विष्णु। जब उनमें मतभेद हुआ कि मैं श्रेष्ठ हूँ, तब विष्णु ने वराह रूप धारण करके अन्वेषण करने की प्रक्रिया अपनाई। इन्वेस्टिगेशन, प्रोब, इन्वेस्टिगेट, आप मान गए। ब्रह्मा जी अपनी कलात्मक दृष्टि से हंस रूप धारण करके ऊपर ऊपर उड़े और स्वीकार नहीं कर पाए कि इसका आदि नहीं मैं समझ सकता। केतकी का पुष्प एक फॉल्स विटनेस को लेके आए और कहा उन्होंने, मैंने तो इसका आदि पहचान लिया है। उसी क्षण ऋषि बता रहे थे, वीरभद्र वहाँ पे विचित्र रूप, उग्र रूप शिव जी का उस शिवलिंग में से प्रकट हुआ, और जिस मुख से ब्रह्मा जी ने झूठ बोला था उस मुख को निकाल दिया। ये तो हम सब जानते हैं, पर ये हाँ, ब्रह्मा जी पांच मुखी थे पहले, उसके बाद चतुर्मुखी रह गए। तो उसी का उल्लेख शिवानंद लहरी में आता है, और इन दो श्लोकों से आचार्य शायद आचार्य शंकर प्रत्येक साधक की जो एक मनोकामना है, जो एक विडंबना सी है, जो एक दर्द है, वो व्यक्त करते हैं, और उसके पार जाने की भी प्रक्रिया उसी श्लोक में बताते हैं। तो शायद उसी का चिंतन करें इसी परिवेश में, इसी परिपक्ष में। जो एक हमें दृष्टिकोण दिया गया है उससे हम प्रभावित होते हैं, बहुत अच्छा लगता है, फिर दो दिन में उत्साह कुछ कम होने लगता है, या तो फिर ऐसे लगता है दृष्टांत तो है ही, एक लक्ष्य है, पर जीवन में उसे उतारना समझना जरा मुश्किल पड़ रहा है। क्यों? वही बता रहे हैं, उपेक्षा नो चेत किम महर्षि विधि ध्यान अभिमुखाम दुराशा भूयिष्ठां विधिलिप्तिम अशक्तो यदि भवान शिरस्तद्वैधाग्रं ननखलु सुवृतं पशुपते कथं वा निर्यत्नं करमख मुखे नैव लुलितम्।
आक्षेप। शिष्य का अधिकार रहता है, बड़े प्रेम से उपासना कर रहा है, भक्त है, शिव जी की आराधना कर रहा है और इसी दृष्टांत का उल्लेख कर रहा है, रो रहा है, भक्त है, शिष्य क्या करेगा, कह रहा है उपेक्षा नो चेत किम, क्या तुम मेरी उपेक्षा नहीं कर रहे हो, मेरी उपेक्षा कर रहे हो क्यों, क्योंकि ये जो मैं अपने आप में देख रहा हूँ, इच्छा तो है ध्यान करूँ जप करूँ, पर ध्यान विमुखान मैं अनुभव कर रहा हूँ अपने आप में, और तुम मेरी उपेक्षा कर रहे हो क्यों, क्योंकि न हरसी ध्यान विमुखान, मेरे मन की चंचलता, मेरी बुद्धि की अस्थिरता को देखते हुए भी ये ध्यान विमुखता को हे ईश्वर हे भगवान तुम हटा नहीं रहे हो, यही आपकी मेरी उपेक्षा का एक लक्षण है। यू आर इग्नोरिंग मी, यू आर नॉट एक्सेप्टिंग मी, जो भी हो यहाँ पे दैट इज व्हाट द साधका इज डूइंग। दुराशा भूमिष्ठां विदिखम अशक्तो यदि भगवान शिरस्तद्वैधात्रं नन खलु सुवृत्तं पशुपते। क्या करें, भाग्य ऐसा मेरा है कि मैं, मेरा मन चंचल है, मैं ध्यान नहीं कर सकता। अब इस परिस्थिति में तुम मेरे स्वामी हो, मेरे इष्ट देवता हो, तो आपका कर्तव्य रहता है इस ध्यान विमुखता को हटा दे, मेरा प्रारब्ध ऐसा सुंदर बनाए कि मैं, मेरा मन ध्यान में लग जाए। और यही कहो कि भाई मेरे से ये काम नहीं होता, ये तो सच नहीं, ये जो ब्रह्मा जी हैं जो सिर्फ का प्रारब्ध लिखते हैं, क्या उन्होंने झूठ बोला था, तो आपने करा नख मुखे नहीं वन ललितम किम्बा, कर हस्त कमल के नख के अग्र भागों से उस ब्रह्मा जी का वह मुख जिससे वो असत्य वाणी आई थी, उस मुख का क्या ललितम, आपने इडेंटिटी प्लक अवे दैट हेड विद विच ब्रह्मा है uttered that falsehood that he had estimated, he had so to say understood the Shiva Tattva. ऐसा आपका सामर्थ्य है, ब्रह्मा को भी आप ठीक कर सकते हो, तो ब्रह्मा जी ने लिखा जो ये एक प्रारब्ध है मेरा, जो साधना के अनुकूल सा नहीं प्रतीत हो रहा, क्या उसको आप बदल नहीं सकते, some help from you। इस प्रकार से प्रार्थना साधक प्रायः करता है। जब साधना के पथ पर जोश से उत्साह से प्रवृत्त होता है, पर कभी देखता है कि मन चंचल रहा है, बुद्धि एकाग्र नहीं हो रही, कथम वा निर्यत्नम करण अखमुखे नैव ललितम, इतने अनायास से, इतनी एक विद सच ईज इंस्टेंटली यू हैड रिमूव दैट हेड, नाउ कैन आई नॉट प्रिवेल अपॉन ब्रह्मा टू मेक माय प्रारब्ध मोर कंड्यूसिव टू साधना, दैट इज अ यूजुअल लैमेंट इजंट इट, यही तो कहते हैं साधक, करने की बहुत इच्छा है पर क्या करें, टाइम नहीं है। सचमुच देखें हमारे पास टाइम नहीं है, दिन वर्ष बीते जा रहे हैं और हम ये नहीं समझते आगे बैठा है बस वो यमदेव ही, टाइम हमारे पास नहीं, पर हम टाइम नहीं कर पाते। शायद यह जब सोच आने लगता है साधक में, तो दूसरी स्तुति करने लगता है, साधक जो है उसका मन उतल पुतल होता ही रहता है, तीव्रता बढ़ रही है, जो शिव तत्व है जो मन के परे है उसकी आकांक्षा उसके प्रति भक्ति को लेके बढ़ रहा है, तो बिल्कुल आराम से ये साधना पथ से आगे नहीं बढ़ सकते, तो उस अवस्था में फिर से वो समाधान मन को करता है, या तो एक प्रकार के शम लाता है मन में, विचार करने लगता है भाई मेरा कर्तव्य क्या है, गुरु का क्या है, ईश्वर का क्या है, फिर जब तब जाके ये दूसरा एक श्लोक उद्गार रूप से आचार्य व्यक्त करते हैं। देखिए आचार्य हैं, जगत गुरु हैं, वो प्रत्येक साधक के स्तर पर आके प्रार्थना करते हैं, तो ये प्रार्थना तो हम सब समझ ही सकते हैं, भगवान ऐसे थोड़ा कर देते तो अच्छा होता, पर इसमें कोई अलौकिक बात नहीं है, आचार्य है तो बताते हैं इसके उपरांत दूसरी भी एक प्रार्थना कीजिए। विरिंच दीर्घायु भवतु भवता तत्परशिरं चतुष्कं संरक्षं सखलु भुवि दैन्यं लिखितवान्। अचानक
जब साधक समाहित होता है तो कह सकते हैं एक संवित स्फुरण हो, समझता है दुख से व्यथा से ये प्रार्थना की है, पर ये इसका औचित्य बस उतना ही है, ये कोई सिद्धांत नहीं बना सकते, मैं क्या करूँ भगवान मेरे लिए करवा दे सब, नहीं। तो वो समाहित होकर फिर से प्रार्थना करता है और कहता है विरिंचि ही दीर्घायु भवतु, ये विरिंचि ब्रह्मा जो है जिसने ऐसा मेरे लिए प्रारब्ध लिखा है, मुझे समय नहीं मिलता उपासना करने के लिए, तो वो विरिंचि दीर्घायु भवतु, दीर्घकाल तक वो जीवे, आशीर्वाद दे रहा है। चतुष्कम तत्परशिरम संरक्षम, और उसके जो अभी अवशिष्ट चार शिर हैं, मस्तक हैं, एक तो निकाल दिया आपने, चार अवशिष्ट शिर जो हैं वो सुरक्षित रखें आप, उसको त्रास नहीं देना। क्यों पूछो, तो खलु भूई दैन्यम लिखितवान, वो तो मेरे लिए एक दीनता लिखा है, मेरा प्रारब्ध ऐसे उसने निकृष्ट किया है कि मुझे उत्साह हो तो भी समय नहीं मिलता, समय मिले तो मन इतना चंचल रहता है, तो क्या करे, फिर भी वो विरिंचि जो है उसको प्रार्थना कर रहा है अभी साधक, उसको सुरक्षित रखना, वो मेरे लिए इतनी एक दीनता प्रदान कर चुका है। क्यों विचारक को वामाम विशद कृपया पाति शिवते कटाक्ष व्यापार स्वयं अभी चीनावन पर। आप ये पूछोगे क्या मैंने अपना क्यों ओपिनियन बदल दिया, बस इतना ही कारण है क्योंकि अचानक मैं समझ गया हूँ मेरा और तुम्हारा आपका संबंध हे भगवान, और मुझे ये पता है कि आपकी जो एक अव्याज करुणा है, निर्व्याज करुणा है, वो दीन अवन पर है, वो निरंतर जो दीन है उनके रक्षण करने में ही तत्पर है, ऐसी आपकी करुणा है, आपकी दृष्टि है। अब आप निष्ठुर मुझे प्रतीत नहीं हो रहे हैं, मेरा मन समाहित हो रहा है, मैं उस conflict that I was facing, I have emerged from that, I have risen from that, and suddenly I am aware of your grace, your anugraha, and there I find ki aap to avyaj karuna murti hain, aur sahajataya jo deen hain, dukhi hain, un pe karuna karne aap tatpar hain, isiliye jis karan se main is deenata ko anubhav kar raha hun, वो विधि ब्रह्मा ने जो प्रारब्ध दिया उसको भी आशीर्वाद हो, उसको आप सुखी रखिए और आप सहजतया मेरा उद्धार कीजिए। अर्थ है ये दो श्लोकों का, बहुत अच्छा लगता है, पर इसको लेके हमें साधना करनी होगी तो उस पर थोड़ा विचार करना अनिवार्य रहता है। देखिए दीनता जो है, दीन भाव है, एक प्रकार का रहता है मेरे पास कुछ नहीं है, I feel deprived, I feel I lack something, this feeling of lack, तो दीन है, दीन है। हम क्षणिक क्षुल्लक वस्तुओं को लेके हम दीनता का अनुभव करते हैं, मेरे पास जितनी आवश्यकता है वो पूर्ण नहीं हो रही है, वो दीनता से अपेक्षित है, मैं बहुत दीन हूँ, मेरे पास बस 5 करोड़ रुपए ही हैं, तो दीनता कहाँ से, मेरे पड़ोसी जो है ना उनके पास 10 करोड़ है, तो दीन हो गया, ये सापेक्षित भी हो सकता है, ये एक दीनता की भावना बैठी हुई है और हम उसको निकालने का प्रयत्न करते हैं, निकालने का प्रयत्न जो है वो व्यावहारिक स्तर पे चलता रहता है, और जब तक हमारा मन क्षुल्लक विचारों में ही या तो लक्ष्यों को लेके ही चलता है तब तक कुछ उपलब्धि को लेके संतुष्ट से होते हैं, और फिर जाके नूतन कुछ एक आवश्यकता प्रस्तुत होती है और फिर से जाके दीन भाव का अनुभव करते हैं। इसका अनुभव करके सत्संग करने के उपरांत इस क्षुल्लक दीन भावना में ही एक जुगुप्सा सी आने लगती है साधक को, इट इज़ सो फ्रिवलस माइंड, आई रिजेंट the goodness experienced by others, I want and I am so very easily satisfied, and then again I am disappointed, I seek more. So the prevailing, the underlying feeling is of deenata, some want, mile to bhi dar kahin chhoot na jaye, ityadi. Yahan pe vastutah
शिव चिंतन हो रहा है, इसलिए साधक उस स्तर पे आ चुका है कि वो क्षणिक या क्षुल्लक चीज़ों से, उपायों से इस दीन भाव को हटाने का प्रयत्न अपना परमार्थ नहीं समझ रहा है। भूख लगे तो खाए, ये नहीं कहे भगवान ने ये दिया है तो मैं भूखा ही रहूँगा ना, प्रयत्न करेगा, पुरुषार्थ करेगा, पर पेट भरने से मैं कृतकृत्य हो गया ये तो भावना किसी को जैसे नहीं आती। उसी प्रकार से साधक अभी ये विश्वास ही नहीं रख सकता कि भाई मेरी मन में जो इच्छाएं वो पूर्ण हो जाए तो मैं अवश्य सुखी होऊंगा, तब मेरा जीवन धन्य होगा, मैं कृतकृत्य होऊंगा, ये भावना अभी नहीं आ सकती। उसको वैराग्य कहते हैं, उसको सही दर्शन कहते हैं इस जगत का। तब जाके उसकी शिव भावना, शिव कामना जो है तीव्र होने लगती है और वो दीनता को भी एक अलग स्तर पे देखता है। ये मेरी दीनता है जब शिव विस्मरण होता है, बस। इट इज़ नॉट सिचुएशनल, इट इज़ दैट बेसिक फॉरगेटिंग ऑफ द सेल्फ, ऑफ द आत्मन, ऑफ शिव तत्व। जब तक मैं उसका दर्शन नहीं करता तब तक ये अपूर्ति, ये दीन भावना खत्म नहीं होगी। अब जाके फिर वो अपनी साधना को बढ़ाता है, उस स्तर पे ये प्रार्थना सिद्ध होने लगती है। सर्वथा उन्मूलन करना इस दीनता का, ये तो केवल शिव ही कर सकता है, हम छोटे छोटे प्रयत्न कर सकते हैं। और उन प्रयत्नों में ही मैं उलझ के नहीं रहूँगा, मैं ये नहीं समझूंगा कि मेरी तात्कालिक उपलब्धियों से मैं धन्य हो गया। आई हैव फोकस्ड ऑन द डिवाइन, आई हैव ग्लिम्सेस ऑफ द शिव तत्व, आई विल नॉट सेटल फॉर एनीथिंग लेस, आई रिफ्यूज टू बी सैटिस्फाइड विद वॉट एवर टॉयज एट्सेट्रा यू प्रेजेंट टू मी टू कीप मी डिस्ट्रैक्टेड। तब जाके ये दीनता की भी एक, ये कह सकते हैं कि एक कला ही है, असंतुष्ट रहना, विक्षिप्त नहीं, उस तीव्रता को बनाए रखना जिसको हम जिज्ञासा ही नहीं मुमुक्षा कहते हैं, पराभक्ति कहते हैं, उस पराभक्ति को बनाए रखता है ये साधक, उस दीनता को भी। देयर इज अ कला इन इट, इट इज नॉट द दीनता दैट इज सैटिस्फाइड विद स्मॉल थिंग्स, इट इज द ट्रेमेंडस इंटेंसिटी, द डिमांड फॉर द डिवाइन दैट अलोन कैन फुलफिल। उस दीनता को वो प्रस्तुत कर रहा है गुरु के चरणों में, शिव के समक्ष शिव से ही प्रार्थना करता है। वो जो दीन है उनका रक्षण करना केवल आप ही कर सकते हैं, क्योंकि आप पूर्ण हैं, तो आपके अनुग्रह से मैं अपनी पूर्णता को पहचान लूँ, तब इस दीनता का उन्मूलन हो जाएगा, तब तक मैं भटकता ही रहूँगा इस संसार सागर में, और अलम और नहीं भटकना है। उस दृष्टि से शिव की आराधना यहाँ पे हो रही है, प्रार्थना हो रही है। इसीलिए इस दृष्टि को स्वीकार करके, इस अत्यंत एक अलौकिक दृष्टि को स्वीकार करके, पूज्य श्री का श्रवण करके हम स्वीकार करते हैं, फिर जाके जुट जाते हैं उपासना। उस उपासना में उस तीव्रता की आवश्यकता रहेगी, तपस वहाँ पे प्रकट होना होगा, तब जाने जाके वो अग्नि प्रज्वलित होगी, वो महाशिवरात्रि का व्रत होगा। और वैसे करने से गीता में जो बताया है, मत कर्म कृत मत परह मत भक्त संग वर्चित निर्वैर सर्वभूतेषु समे एति, यह सब माम एक पांडव, वो मुझे प्राप्त होता है। कौन मुझे प्राप्त होता है? मत कर्म कृत मत परम मत भक्त संग वर्जित, मत भक्त जो मेरा भक्त है, मैं भक्त हूँ, मैं पहला भक्त हूँ। पर ये पहले विशेषण जो है वो लागू हो रहा है, मत कर्म कृत, मैं जो कर रहा हूँ भगवान के लिए कर रहा हूँ। बड़ी इतनी सरल बात नहीं है, हो अपना कर्तव्य करते समय भी अनुस्मरण बना रहे, शिव स्मरण बना रहे, लोक व्यवहार में भी, ये तो बड़ी तपस्या है। काम किया फिर जाके अर्पण किया, ये तो एक ठीक है, पर करते समय भी शिव अनुस्मरण बना रहे और ये स्वीकार है कि ये सब तुम ही प्रस्तुत कर रहे हो, तुम्हारी ही लीला है, अच्छी तरह में व्यवहार करो।
इसमें मेरी अंतकरण की शुद्धि होने वाली है, इसीलिए मैं करते समय ही ये आपको अर्पण कर रहा हूँ। इस प्रकार की दृढ़ भावना अनुभव जब आने लगे तो मत कर्मकृत बनने लगता है। साधक, मैं जो कर रहा हूँ वस्तु तो है हे भगवान तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ, मेरे लिए कर्तव्य रूप से आ रहा है, मेरी इच्छाएं हैं उनको पूर्ण करने में मैं ये कर रहा हूँ, पर वस्तुतः शिव स्मरण बना रहे इसीलिए मैं ये प्रयत्न कर रहा हूँ। मत कर्मकृत मत परम, ऐसे करने से तुम्हारे सिवा मेरा और कोई नहीं है, ये जो भावना है ये स्पष्टतया अनुभव में आने लगता है जीवन में। मत परम साधक आलन एक लक्षण, मत कर्मकृत मत परम मत भक्त, ऐसे होने से तो फिर बिना भक्ति के तो नहीं हो सकता, कैलकुलेट करके नहीं हो सकता, यहाँ पे इतना दूँ तो बस इतना ही फल मिलेगा, भगवान में ही उतनी भक्ति डाल दूँ उड़ेल दूँ तो फल ज़्यादा मिलता है, तो इसी दृष्टि से भगवान की उपासना और अच्छी, इस प्रकार से कैलकुलेशंस नहीं आते वहाँ पे। इसीलिए मत परम मत भक्त संग वर्जित, ये सारे लक्षण उसमें आने लगे हैं साधक के जीवन में। ऐसे होते ही फिर वो निर्वैर होने की लगता है, वैरी की भावना जाती है, बेवकूफ नहीं बनता, गुरु का कार्य कर रहा हूँ भगवान का कार्य कर रहा हूँ इसलिए बड़ी सतर्कता से कार्य करेगा और वो रस जो है उसका वो केवल शिव अनुसंधान से ही आएगा, और ऐसा जो सारक है माम एति वो मुझे ही प्राप्त होता है, ऐसा एक आश्वासन दिया गया है गुरु ने ही। तो उसको लेकर हम ये हमारी जो व्यथा है भगवान के सामने प्रस्तुत करते हैं, मन नहीं लगता ना, मैं प्रयत्न करूँगा बड़ी तपस्या करूँगा, पर ये याद रख के उस तपस्या करने में भी आपका अनुसंधान मैं करते ही करूँगा, अर्पण करते ही करूँगा, तब जाके वो शिव दृष्टि मुझे आप प्रदान करोगे। इसी को लेकर भगवती की भी स्तुति हम करते हैं, यहाँ पे शक्ति जागरण की बात है, तब जाके शिव दृष्टि हमें प्राप्त होती है, शिव दर्शन होता है, ना उन सबको शिव दर्शन संभव ही नहीं, तो उस जागरण में पुनः पुनः भगवती का अनुसंधान होना स्वाभाविक है। जागृत बोध सुधा मयूखन चयी आप्लाव्य सर्वादिशो यस्याः कापि कला कलंक रहिता षट्चक्रमा क्रामति दैन्यध्वान्त विदारणैक चतुरा वाचं परां तन्वती सा नित्या भुवनेश्वरी विहरतां हंसीव मन्मानसी। आचार्य भगवती की स्तुति कर रहे हैं भुवनेश्वरी की, भगवती का ध्यान कर चुके हैं, भगवती हृदय में विराजमती हुई है और वाणी रूप से व्यक्त हो रही है, ऐसे आचार्यों के ये उद्गार हैं, कह रहे हैं मेरा मन मैंने अभी शांत किया है और उस शांत मन में आप हमेशा विराजमती हो, हंस सदृश अत्यंत सीइंग द प्लैसिड सरफेस ऑफ अ ब्यूटिफुल लेक द हंस इज अट्रैक्टेड यू डोंट यू कांट ल्यूर इट देयर, उसमें आके जैसे हंस राजहंस विराजमान होता है वैसे ही हे भगवती ह्रीमकार स्वरूपिणी आप मेरे मानस में विराजमती हो, वहीं पे आप विचरण कीजिए, ऐसे करने से मेरा लाभ क्या है, मेरा मेरे लिए क्या है उसमें फायदा क्या। जागृत बोध सुभा मयूख निचय ही आप्लाव्य सर्वादिषु, जागृत यानी जागृति बोध ज्ञान रूपी सुख प्रज्वलित होने वाला यह एक तत्व है, भगवती विराजमती होती है तब किरणें उसकी प्रसारित होती हैं भगवती की सर्वत्र, केवल एक क्षेत्र में ही नहीं, ऐसी परिस्थिति साधक चाहता है अपने जीवन में। दो मिनट।
जागृत बोध सुधा मयूख मयूख निचय मयूख ने किरण किरण के समुच्चय से भगवती का रहना मेरे हृदय में अज्ञान का नाश कर रहा है, सर्वत्र उसी का अनुभव हो रहा है, उसी के द्वारा मेरे सारे अनुभव आ रहे हैं, ऐसी भावना दृढ़ हो रही है। आप्लाव्य सर्वादिशो विशो यस्य कापि कला कलंकरहिता षट्चक्रमाक्रामति। जो आध्यात्मिक एक प्रगति होनी है, जागरण हो रहा होना है, वो भी उसी के अनुग्रह से हो रहा है, षट्चक्र भेदन इत्यादि हो रहा है। दैन्य ध्वांत विदारणैक चतुरा वाचम पराम तन्वति। दैन्य यहाँ पे फिर वही बात आई, दीनता की भावना आई, मैं दीन हूँ दुखी हूँ, ये भी वही दीनता है। शिव अदर्शन से जन्य जो दीनता है, अपने आप को न समझने की जो दीनता है, वो दैन्य भाव यहाँ पे उसका उल्लेख हो रहा है। उसके कारण ये सारा अंधकार ध्वांत सा प्रस्तुत हो रहा है। उस दुख को सर्वथा निकालने में विदारण ही का चतुरा, उसको निकालने में वो वाणी जो है मुखरित होती है हमारे जीवन में। वाचम पराम तन्वती, कौन ये उसका विस्तार करती है, वही भगवती। ह्रीम का रूप से अपने शरीर में मानस में जिसका आवाहन किया है, जिसके अनुग्रह से कला से षट्चक्र भेदन होता है, शक्ति जागरण होता है, और ये दीनता की भाव की भावना जो है हमेशा निकाल देने में वो समर्थ है, वो शक्ति है, वो भगवती है। उसको मैं नमस्कार कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरी तपस्या हो, मेरी भावना हो, मेरी प्रार्थना हो, स्वीकार करके शांत हुए मेरे मानस में वो विराजमती हो, ताकि शिव दर्शन संभव हो। उस स्तर पे हम इस दीनता को देखते हैं, नहीं तो फिर साधक का लक्षण हमारे में नहीं आएगा। मुझे इसकी आवश्यकता है, मैंने तेरी इतनी उपासना की, इतना जल चढ़ाया, अब तो उसका वो बस वो प्राप्त करवा दे, ये तो एक क्षुल्लक भक्ति हो गई। हम ही इसी से, इस भक्ति से त्रस्त होते हैं। This was sickening, it was so tiring. Can I dispel this need, so to say, forever? And that can only come out of Shiva Darshan. इसीलिए वो दीनता को भी हम उस स्तर में देखते हैं, जब तक शिव दर्शन नहीं हो तब तक तो वो दीनता बनी रहेगी, और उस दीनता को हटाना मेरा कर्तव्य है। उसकी पूर्ति होगी केवल शिव दर्शन से। उसके लिए अनिवार्य जो साधना इत्यादि है मैं करूँगा, भगवती का अनुग्रह प्राप्त करके गुरु के सन्निधि में मार्गदर्शन को लेकर शिव प्राप्ति मेरा लक्ष्य है। उसमें जो रस है, मार्ग पर भी वह रस का अनुभव होता है, पूर्णता के उपरांत तो है ही, ये सबों को प्राप्त हो, धैर्यपूर्वक हम इस साधना में बने रहें, चलते रहें, ऐसी प्रार्थना में गुरुचरणों में कर रहा हूँ। कुछ श्री की अनुमति लेकर एक उपसंहार भजन करूँगा। जयति संवित स्वामिनी। जयति संवे
Thank you.
बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य स्वामी जी।